नॉट वी आर फॉर समय का मोल, उसमें क्या रहता है, हमको समय का महत्व बताते हैं कि हमको समय की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम हम छोड़ देंगे, टाइम पे हम ये करेंगे वो टाइम पे हम वो करेंगे, नहीं, हमको हमेशा समय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी समय भी हमारी रिस्पेक्ट करता। सो उस चैप्टर में, उस पोयम में हमने क्या क्या लिया था, हमने वर्ड मीनिंग्स लिए थे, मॉर्फिक क्वेश्चन आंसर्स लिए थे और चूज द करेक्ट लिए थे। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में क्या देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे लिखित क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलदस्ता किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, गुलदस्ता, गुलदस्ता मीन्स क्या होता है, बुके। हम इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, बुके। अब वो कैसे बनता है, उसे क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पे पूछा है। मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आपके नोटबुक में कॉपीराइट करना। जल की अनेक बूंदे मिल जाए तो क्या बन सकता है। क्या होगा, जल की अनेक बूंदे मिल जाए तो सागर बन जल की अनेक बूंदे मिल जाए तो सागर बन सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा पलो युग में क्या अंतर है। पल छोटा लगता है लेकिन उससे एक बड़ा युग बन जाता है। पल पर छोटा लगता लेकिन उससे एक बड़ा युग बन जाता है। अब हम देखते हैं पूरा क्वेश्चन आंसर एक बार। गुलदस्ता किसे कहते हैं, हमको क्या पूछ रहा है, गुलदस्ता किसे कहते हैं। गुलदस्ता बहुत सारे फूलों को मिलाकर बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, गुलदस्ता कहते हैं। सेकंड है हमारा जल की अनेक बूंदे मिल जाए तो क्या बन सकता है। जब जल, बहुत सारा जल अगर बूंद बूंद से इकट्ठा हो जाए तो उससे क्या बनेगा, तो जल की अनेक बूंदे मिल जाए तो सागर बन सकता है। हमारा अगर आप शॉर्टली में अगर आंसर लर्न करना चाहो तो आप कैसे लर्न करोगे, तो क्या बनता है, सिर्फ सागर बनता है। पल और युग में क्या अंतर है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पल और युग इन दोनों में अंतर क्या है। तो पल पल छोटा लगता है, जो
छोटा मीन सेकंड जो होती है वो कैसा होता है, छोटी होती है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे एक बड़ा युग बन जाता है। जैसे कि सेकंड सेकंड हम 1 सेकंड 2 सेकंड करते हैं, लेकिन 1 सेकंड से मिनट, मिनट से और किस तरीके से डेज कितना कितना ज्यादा बढ़ते जाता है। तो पल छोटा होता है लेकिन उससे एक बड़ा युग बन जाता है। अब हम देखते हैं आगे। अभी तक हमने इस पोयम में क्या देखा, तो हमने देखा एक्सरसाइज सेक्शन मींस क्वेश्चन आंसर, मींस क्वेश्चन आंसर व्हाट मीनिंग है चूज द करेक्ट। अब हम क्या देखेंगे इस पोयम का भाषा के अंश, मींस जो है ग्रामर सेक्शन। तो फर्स्ट हमारा है ग्रामर सेक्शन में समानार्थक शब्द। तो समानार्थक शब्द मींस क्या होता है, जिस वर्ड की मीनिंग सेम हो उसको हम बोलते हैं समानार्थक शब्द। ओके, तो फर्स्ट है हमारा पुष्प सुमन। तो पुष्प और सुमन इसका मींस क्या होता है, फूल। है मकान है आवास। मकान और आवास का सेम मीनिंग क्या होगा, घर। देन थर्ड हम देखते हैं पानी एंड नीर। पानी और नीर का सेम मीनिंग क्या हो सकता है, जल। देन है समुद्र एंड जल लेकिन समुद्र और जल लेकिन बहुत बड़ा होता है, वैसे सागर भी बहुत बड़ा होता है, तो सेम मीनिंग हुआ सागर। धरा धरती, धरा और धरती इसका पूरा क्या होगा, पृथ्वी। सिक्स है हमारा मूल्य और कीमत। मूल्य और कीमत मीन्स किसी को कोई चीज हम खरीदते हैं तो देते हैं, तो उसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, मोल। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्या है, समानार्थी शब्द। फर्स्ट है फूल, पुष्प, सुमन, घर, मकान, आवास, जल, पानी, नीर, सागर, समुद्र, जल्दी, पृथ्वी, धरा, धरती, मोल, मूल्य, कीमत। सो अब हम आगे देखते हैं, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मींस जैसे कि हमने समानार्थी में देखा कि सेम मीनिंग होता है हर एक वर्ड का, तो उस तरीके से कुछ शब्दों के अधिक मतलब एक से ज्यादा अधिक मीनिंग होते हैं उसको बोलते हैं, उसको कौन सा वर्ड बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है एग्जाम्पल फूल। तो फूल से कौन से दो वर्ड बन रहे हैं, एक पुष्प बन रहा है, यहाँ पे आगे देखिए मैंने बताया है एक पुष्प बन रहा है और एक क्या बन रहा है, फूलना। तो पुष्प का मतलब हो गया फूल, जो फ्लावर्स होते हैं वो, और फूलना मतलब कि जैसे कि हम थक जाते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग है वो कैसा एकदम ऊपर नीचे होने लगती है, सांस फूलने लगती है, वो मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस भी बना रखा है, बाग में फूल खिले हैं, तो ये फूल कौन से हुए, जो फ्लावर होते हैं वो, और ये फूल ना एक क्रिया मतलब कि एक क्रिया, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे हम थक जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो मींस ये क्या हुआ, एक क्रिया हुई। तो यहाँ पे हमने लिया है एग्जाम्पल में भागते भागते रोहन की सांस फूल गई। ठीक है, ये दोनों लिखने में सेम है लेकिन दोनों के जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब होता है अनेकार्थी शब्द। अब देखते हैं सेकंड पर। पर का एक मीनिंग होगा परंतु और एक मीनिंग होगा पम। ठीक है, तो परंतु वाला जो फर्स्ट है उसका हमने जो एग्जाम्पल बनाया है, आज घूमने जाना था पर वर्षा हो गई, तो पर यहाँ पे लेकिन शब्द यूज हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं पम। चिड़िया के पर बहुत सुंदर होते हैं, ये दोनों लिखने में जैसे कि फर्स्ट हमने देखा लिखने में सेम है लेकिन मीनिंग अलग हो गई, एक पर का मीन्स हो गया पम और एक पर का मीनिंग हो गया परंतु। तो ये हुए हमारे अनेकार्थी शब्द। देन हम देखते हैं जल। तो जल का क्या है, एक हमारा हुआ जल का पानी और एक हुआ जलना। तो पानी का हमने जो शब्द बनाया वो है जल ही जीवन है। अब जल और पानी हमको कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो जल ही जीवन है। और सेकेंड हमने देखा जलना मीन्स एक क्रिया, आग लगने की वजह से पूरा खेत जल गया। अब जलना जो है वो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे क्यों लिखा, एक क्रिया, क्योंकि जलना कोई भी चीज जल रही है तो वो एक क्रिया हो जाएगी, इसके लिए। तो आग लगने की वजह से पूरा खेत जल गया। तो ये जल और ये जल सेम दिख रहा है लेकिन उनकी मीनिंग्स क्या है, अलग अलग है। तो ये हुए हमारे अनेकार्थी शब्द। अब हम देखते हैं आगे वजन बदलो, मीन्स एक से अनेक, कोई भी चीज एक होती है उसको ज्यादा करते हैं तो उसका हम क्या बदलते हैं, वजन बदलते हैं। फर्स्ट जैसे कि हमारा ईट, तो ईट एक हुई, ठीक है, लेकिन उसको जो हमने वजन बदला तो क्या होगी, ईटे मीन्स बहुत सारे ईटे होंगे। फिर देखते हैं सेकेंड बूंद, तो बूंद एक बूंद गिरती है तो वो एक ड्रॉप गिरा तो वो सिर्फ इतना हुआ, लेकिन बूंद जब बहुत सारी बारिश होती है
या सिक्स पत्ता, तो उसका क्या होगा, पत्ते। सो ये हमारा वचनबद्ध। वचनबद्ध से पहले हमने क्या देखा, अनेकार्थी शब्द, उसके पहले हमने देखा समानार्थी शब्द, और उसके पहले हमने देखा लिखित क्वेश्चन आंसर। और फर्स्ट पार्ट में तो आपको पता ही हमने क्या देखा था, तो ये हमारा पूरा पोयम है समय का मूल, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन।